नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। आज मध्य प्रदेश के 5 लाख छात्र छात्राओं को तोहफा देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को आज साइकिल और 23 अगस्त को सभी स्कूलों के टॉपर छात्र और छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। आज वाराणसी में आयोजित होगी G20 शिखर सम्मेलन में, जहां भाग लेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 150 से अधिक प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। आज रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर झारखंड के अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय PVTG के युवक युवतियों को कोचिंग देना है। झारखंड BJP में नई जान फूकेंगे बाबूलाल मरांडी, जो आज से शुरू करने जा रहे हैं संकल्प यात्रा। यह यात्रा 18 अक्टूबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित आजमगढ़ गर्ल्स कॉलेज केस के बाद यूपी में स्कूल सुरक्षा बिल लाया जा सकता है, जहां उत्तर प्रदेश के करीब 45,000 निजी विद्यालय इसके दायरे में आएंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। जहां गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी प्रिंस सोनी हत्या मामले में उनके परिजनों से मुलाकात की और मृत परिवार को सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित सभी विधायकों पार्षदों को आज दिल्ली तलब किया है, जहां आज खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी बिहार के पार्टी नेताओं संग बैठक करेंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से सीट शेयरिंग का खाका तैयार करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक रद्द कर दिया गया है। बता दें कि वे आज से 19 अगस्त के बीच रायगढ़ दौरे पर जाने वाले थे, जहां अब खबर है कि लगातार जारी बैठकों और भारी व्यस्तता के चलते PM नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज एक सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच यानी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए RBI वंचित क्षेत्रों में लोन मुहैया कराने का काम करेगा। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल चंद्रयान 3 ने चांद की चौखट पर दस्तक दे दी है। वहीं इसरो की ओर से एक बार फिर चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को घटाया गया है, जहां ऑर्बिट घटाने की ये आखिरी प्रक्रिया थी। इसी के साथ चंद्रयान की चांद से दूरी और भी कम हो गई है, जहां भारत का ये स्पेसक्राफ्ट और आज ही चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करने की तैयारी करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार किसी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें भूपेश ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाए। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान से आज मध्य प्रदेश भवन में राजगढ़ जिले की साइक्लिस्ट आशा मालवीय ने मुलाकात की। बता दें कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता को लेकर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2022 को शुरू हुए आशा मालवीय की एकल महिला साइकिल यात्रा गत 15 अगस्त को दिल्ली में संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री चौहान ने सुश्री मालवीय की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी और स्टॉल भेंट कर सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है।
जहां आज बादल फटने से और भूस्खलन होने के कारण मंदिर बह गया। इस दुर्घटना में एक ही परिवार ने अपने 3 पीढ़ियों के सदस्यों को खो दिया है। चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए सीमा सड़क संगठन अब लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाने जा रही है। यह सड़क उमलिंग ला पास के करीब 400 फीट ऊंचाई पर होगी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान केंद्र सरकार को भारत में नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देता है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को विदेश जाने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है उन्हें पूर्व अनुमति लेने के बजाय देश छोड़ने से कम 3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करना होगा। पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां पौंग डैम से छोड़े गए पानी के कारण ब्यास नदी का जलस्तर उफान पर है, जिस कारण टांडा के कई गांव पानी के घेरे में आ गए हैं। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ज्वाइनिंग के बाद अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि उनका हरियाणा की पुलिसिंग को और बेहतर करने पर जोर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्दी और डंडा उठाने से स्किल नहीं आती, इसलिए ट्रेनिंग पर उनकी प्राथमिकता होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत दी है। धामी ने ऐलान किया है कि जो युवा अग्निवीर योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ किए गए मुकदमा को वापस लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा सम्मन भेजे जाने पर भर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और केंद्र सरकार के जांच एजेंसियों की तुलना नीम करेला और कुटकी चुरेता से की, जहां उन्होंने कहा कि हम जितना इनका घूंट पिएंगे उतना ही मजबूत बनते जाएंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए बड़ा ऑफर दिया है। वहीं शरद पवार ने मीडिया में आकर खुद इसका खंडन किया और कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश महतो ने एक वैकल्पिक अभियान पेश करने और विभिन्न मुद्दों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के प्रयास के रूप में एक गैर राजनीतिक मंच शुरू करने का ऐलान किया है, जो लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की जांच टीम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां पता चला है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने पुराने और कवार के पाइप जमीन के नीचे बिछा दिए। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।